एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका व्लॉग्स 5। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस, और सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। यहाँ पर शाम के बजे थे 7:30। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मार्केट से आई हूँ गाइस, वेजेस वगैरह सारी खत्म हो रखी थी और खाना वगैरह मैं बनाकर गई थी, पूजा पाठ सब करके गई थी मैं मार्केट फ्री होकर बिल्कुल। सो यहाँ पर आने के बाद सारी वेजेस को मैंने फ्रिज में सेट कर दिया, एंड उसके बाद यहाँ पर जो कुछ वेजेस थी कट करने वाली उनको काट के रख दूंगी। अभी 3-4 सब्जियां हैं जो कट करने वाली है, बट 2-3 मैंने निकाली है और अभी ये रेडी से जो सुबह मुझे मॉर्निंग में इसकी भुज्जी बनानी है। और गाइज मतलब जो मूली की भुज्जी है ना बहुत टेस्टी लगती है, बरसात के मौसम में बहुत अच्छी लगती है, बट काफी दिन हो गए हम लोगों को मूली ढूंढते हुए, यहाँ पर मूली मिल ही नहीं रही थी। मिल रही थी तो पत्ते वगैरह जो होते हैं ना इसके मतलब बहुत बेकार उसे हो रखे थे। सो फाइनली आज मिली और इसको मैं कट करके रख दूंगी यहाँ पर बॉईल होने के लिए। सुबह मॉर्निंग में फटाफट से इसकी भुजिया बनाऊंगी। लहसुन का तड़का लगा के बनाओ ना गाइस, मूली की भुजिया तो बहुत टेस्टी लगती है। अभी यहाँ पर ये अच्छे से बॉईल हो गई है, अभी इसको ठंडा करके रख दूंगी और इसका पानी बिल्कुल निकाल के निचोड़ के तब मैं रखूंगी इसको अच्छे से मैश करके, बस सुबह को फ्राई करनी रह जाएगी। सो यहाँ पर इसको रख दिया है मैंने, उसके बाद ना आधा कप चाय बनाई, क्योंकि आजकल बरसात के टाइम में ना शाम के टाइम चाय पीने का मतलब बहुत मनसा करता है खाने के बाद, और ये हैबिट सी बन गई है। सो यहाँ पर चाय वगैरह हो गई है, अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। गाइस प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं अपने दिन की शुरुआत। यहाँ पर मॉर्निंग के बजे थे अभी 6:30, मयंक रेडी हो गए थे और गाइस आज उठने में ना थोड़ा लेट हो गए, अलार्म बजा पता नहीं रात में, मुझे अच्छे से नींद नहीं आ पाई थी, अलार्म बंद करके फिर सो गए, वो तो मुझे किशन ने उठाया। मैंने फटाफट से दोनों बच्चों के लिए पराठे बनाए और उसके बाद जैम ब्रेड रखा हुआ था तो जैम ब्रेड लगाकर ही बच्चों के लिए दे दिया, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और आज मैं उठने में यार मतलब अलार्म बंद करके फिर मेरी आँख लग गई, रात में ठीक से नींद नहीं आ पाई थी। सो दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं गाइस, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको पता तैयारी तो रात में ही करके रख दी थी मूली की भुजिया की, और सुबह मॉर्निंग में इसको फ्राई किया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका व्लॉग्स 5। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस, और अभी शाम के बजे हैं 6 और गाइस चाय नाश्ता सब हो गया है, जो शाम की चाय हम लोग पीते इवनिंग थी, बट खाने का समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। सुबह मॉर्निंग में भी जो मूली होती है उसकी भुजी बनाई थी, मतलब सूखी सब्जी, तो कह तो रहे आलू टमाटर, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा आलू टमाटर वगैरह बनाने का। तो मैं सोच रही हूँ एक ट्रिक आजमाती हूँ, मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी, अगर राजमा वगैरह आपको बनाने हो, राजमा छोले इस टाइप से कुछ बनाने हो, तो थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी करो और उसके अंदर भिगो दो उसको 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद बनाओ तो अच्छा बन जाता है। अभी देखते हैं, भिगो कर देखती हूँ, सही से भीग जाएगा तो अभी बना लूँगी, नहीं तो सुबह मॉर्निंग में बनाऊँगी। और गाइस देखो ये सामान सारा ऐसे रखा हुआ है, जब से रक्षाबंधन से आई हूँ ना मेरी सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। और रक्षाबंधन में मुझे क्या क्या मिला आप लोगों ने, ये मेरा ब्रेसलेट तो देख ही लिया होगा, बहुत सुंदर ब्रेसलेट है, ये मैं डेली यूज़ में पहन ही रही हूँ, भाभी ने कहा था इसको डेली यूज़ में ही पहनना, तो गाइस अभी मतलब बहुत सुंदर लगता है मुझे। किसना बोले मम्मा मेरे को दे दो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं दूँगी, मेरी भाभी ने दिया है। तो अभी चलिए गाइस, अभी किचन में चलती हूँ और कुछ बनाती हूँ, मतलब रात में भिगो कर देखती हूँ, अगर भीग जाएगा तो ठीक है। और ब्लॉग आप लोग मेरा फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखना, स्किप मत करना, और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार। मैं आपको एक चीज़ दिखाना तो भूल ही गई, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए साड़ी, मैं सोची थी कभी मैं वीडियो शूट करूँगी तभी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। ये साड़ी मेरे हस्बैंड जी ने मुझे मंगा कर दी है, मतलब ऑनलाइन परचेज की इन्होंने, रेडी टू वेयर साड़ी है, और इसका ब्लाउज मैंने दे दिया सिलने के लिए, बस आपको इसको पहनो, और इन्होंने मुझे दिया है सरप्राइज, मतलब ये पार्सल मैंने ही रिसीव किया था, बट इसकी पेमेंट पहले हो रखी थी। और साड़ी तो सुंदर है, लाइट वेट है, कलर भी अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं, रेडी टू वेयर है, पहनने में ज़्यादा झंझट नहीं होगी इसको, अभी जिस दिन भी पहनूंगी ट्राई करूंगी उस दिन वीडियोस वगैरह बनाऊंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी इसको पूरा। अभी तो इसको ऐसे रख देती हूँ, फोल पीको की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेडी टू वेयर है तो इसमें फोल पीको लगेगा नहीं। तो चलिए गाइस अब चलती हूँ मैं किचन में, किचन में लग गई मेरी ड्यूटी। तो ये देखिए, ये है राजमा, ये है कश्मीरी राजमा, अभी मैं इसको भिगो कर देखती हूँ, इसका साइज तो बहुत छोटा सा है गाइस, देखो ना। और यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा पानी, इसको गर्म करते हैं, उसके बाद भिगोती हूँ गर्म पानी में। अभी ये है जो मेरे हस्बैंड जी की फेवरेट सब्जी है, इसको मुझे कट करना है। इधर देखिए पेटीज लेकर आए थे जो मैंने खाई नहीं, ये अब जाएगी बाहर क्योंकि मुझे खानी नहीं है और ठंडी हो गई, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये सब्जी कट कर लेती हूँ, राजमा भिगो देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो भाई सबसे पहले कर देती हूँ यहाँ पर मसाला, जो भी सब्जी बनाऊँगी मसाला तो चाहिए, तो मसाला वगैरह कर देती हूँ। इधर हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है और थोड़ा होने तो उसके बाद ही भिगोऊँगी। और यहाँ पर देखिए
जैसे ही मैंने सुबह कपड़े वॉश किए, बारिश आ गई अचानक से, फिर मैंने सारे कपड़े इधर ही सुखाए ड्राइंग रूम में। और अभी बाहर का मौसम ऐसा है, अब तो ठीक है, बाहर का थोड़ा सही हो रखा है। ये देखिए गाइस, ये है हमारे बाबा और ये है हमारा मनी प्लांट, और ये देखिए ये है हमारे भोले शंकर जी जिनको हम लेकर आए थे सावन महीने में। ये मनी प्लांट कैसा हो गया हमारा, देखो ना पत्ते कैसे हो गए ना इसके खराब खराब से। और भोले बाबा देखिए, देखो अभी भी जल है इसमें, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो ये धीरे धीरे ना नीचे आता रहता है। तो सभी बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो गाइस, यहाँ पर पानी बॉईल होने ही वाला है, बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, धोकर रख देते हैं, गैस बंद कर देते हैं, ढक देते हैं। आप लोगों ने देखा गाइस, पिंडी रूप में हमारे यहाँ पर भोले शंकर आ चुके हैं, और भोले शंकर जी हमारे घर में सावन के महीने में आए थे, और हम लोगों ने जो इनकी स्थापना की थी रक्षाबंधन से एक दिन पहले की थी, क्योंकि मंडे का रक्षाबंधन तो हम लोगों ने संडे में इनकी स्थापना की थी, और मंडे का लास्ट सोमवार भी था, तो सावन का महीना ही चल रहा था उस टाइम पर। तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, अगर हमें मंदिर वगैरह ना जाना हो, मतलब टाइम ना हो, तो अपने घर में ही पूजा पाठ कर लो। सो उसके बाद ना मैं किचन में मैंने राजमे को जो भिगो कर रखा हुआ था ना, थोड़े गर्म पानी ज़्यादा किया था, लेकिन फिर भी वो अच्छे से नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा यहाँ पर अभी मैं आलू टमाटर ही बना देती हूँ, आलू टमाटर मटर। हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कि आलू टमाटर मटर बना लो, तो मैंने कहा ठीक है वही बना देती हूँ। तो जिसके लिए यहाँ पर मसाला भी मैंने रेडी कर लिया था, तो फटाफट सब्जी बनाती हूँ गाइस। उसके बाद ना मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, बहुत सारी बातें करनी है, तो आप व्लॉग पूरा देखना, स्किप मत करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने मिर्च भी निकाल दिया, मुझे मिर्च भी थोड़ी फ्राई करनी है, और पुदीने धनिये की चटनी सुबह मैंने मॉर्निंग में बनाकर रख दी थी, क्योंकि खाने के साथ हमेशा मेरे हस्बैंड जी को पसंद है पुदीने धनिये की चटनी या फिर लाल मिर्च की चटनी, तो मेरे फ्रिज में हमेशा ही ये दोनों चटनियाँ रहती हैं। तो फटाफट से यहाँ पर सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद मैं मतलब जो मिर्च है उसको फ्राई करूँगी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ब्लॉगिंग अच्छे से करती हूँ, वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, बस हाँ थंबनेल में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरी वीडियो है ना उसमें थंबनेल में कहीं ना कहीं मतलब अच्छे से नहीं बन पाता, जिस वजह से लोग मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, और जो देखता है वो पूरी देखता है, और उसके बाद मुझे कमेंट्स भी आते हैं। तो यहाँ पर ना मतलब मन कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग मन से इतनी मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, और उस मेहनत का हमें रिजल्ट ना मिले, तो मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बट कोई बात नहीं गाइस, धीरे धीरे लगी हुई हूँ अपने काम में, और मतलब ऐसा होता है कि नहीं मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, अब मेरा मन नहीं है वीडियोज़ वगैरह बनाने का, बट फिर मैं देखती हूँ मेरा जो वॉच टाइम है थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर मन में कहीं ना कहीं ना एक लालच सा आ जाता है कि यार लगे रहो अपने काम में। मतलब सफलता तो एकदम किसी को नहीं मिलती, और अगर हमें जितनी देर से सफलता मिलेगी उतनी ही अच्छी सफलता मिलती है, तो इसलिए ना मैं बस अपने काम में फिर से लग गई हूँ आज, और थोड़ा सा एक्टिव भी है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे। तो यहाँ पर फटाफट से सब्जी बना देती हूँ, और देखिए मैं जो आलू टमाटर की सब्जी बनाती हूँ ना बिल्कुल गाँव वाले स्टाइल में बना रही हूँ, जीरे को बिल्कुल काला कर लिया, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना जीरे की, और जो ये आलू के टुकड़े हैं ना बहुत बड़े बड़े से काट के इस टाइप से बनाते हैं ना, तो बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट आता है आलू मटर टमाटर में। तो बस यहाँ पर हमारा जो मसाला था वो अच्छे से रेडी हो गया है, रेडी होने के बाद मैंने पोटैटो कट करके वॉश करके इसको डाल दिया है कुकर के अंदर, 4 से 5 सीटी लगवाऊंगी, और जब हमारा डिनर बन जाएगा बस उसके बाद मैं आटा वगैरह गूंथूंगी, आटा गूंथने के बाद मेरे किचन का बिल्कुल सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें पानी डाल देते हैं, थोड़ी ग्रेवी वाली मुझे सब्जी बनानी है, और बस कुकर का ढक्कन बंद करके रख देंगे, 4-5 सीटियाँ लगवाएंगे, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। गाइस पता अभी ना 10-15 दिन पहले ना मेरा एक ऐसा रूटीन बना हुआ था, जब मैं अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती थी तो उसी के स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा सा पार्क है जिसमें मैं 2-3 राउंड लगाती थी, और घर पर आकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, इतना लाइट फील होता था, बहुत अच्छा लगता था, और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा वेट ना कम भी हो रहा है, वेट नहीं तो इंचिस कम हो रहे थे, मतलब वॉक करने से अच्छे से सुबह मॉर्निंग में खाली पेट वॉक करो ना तो बहुत बेनिफिट होता है खाली पेट वॉक करने के। और हमारा क्या है, मैं मॉर्निंग में तो नहीं कर पाती, तो मैं मतलब डिनर के बाद हम लोग वॉक पर चले जाते हैं, लेकिन उसका मुझे अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। तो अभी जैसे मैंने मॉर्निंग में शुरू की थी ना, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था, बट वो फिर से छूट गई है गाइस फेस्टिवल के चक्कर में, और उसके बाद हम लोगों ने स्वीट्स वगैरह खाई तो बस ये सारी वॉक भी छूट गई, मीठा खाया, तो उसके बाद मुझे फिर से अपना वेट यहाँ पर बढ़ा हुआ लग रहा है। तो बस गाइस फिर से मैं अपनी वॉक कंटिन्यू करूँगी और अपना वर्कआउट शुरू करूँगी। तो यहाँ पर सब्जी का मतलब कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है, अभी जो कुछ बर्तन रखे हुए थे रैक में उसको लगा लूँगी, और लगाने के बाद कुछ बर्तन जो पड़े हुए हैं उनको वॉश कर लूँगी, वॉश करने के बाद आटा गूँथूँगी, और मेरे किचन का काम हो जाएगा कम्प्लीट। उसके बाद मुझे आप लोगों से बात करनी है।
गाइस किचन के काम से बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। चपाती बनानी है, जब गर्मा गर्म खाएंगे तभी बनाऊंगी चपाती। सब्जी बना दी, आटा वगैरह गूंथ गया, पूरी किचन साफ हो गई है और अभी शाम की पूजा रह गई है। और गाइस मैं देख रही थी मेरा सामान ना सारा ऐसे फैला हुआ है, मतलब जो इस बार रक्षाबंधन पर, पता मेरे साथ क्या हुआ इस बार रक्षाबंधन पर, आपको पता है भद्रा लगी हुई थी तो 1:30 बजे से सभी को राखी बांधनी थी, तो उसके बाद ही बुआ जी आई, दीदी आई 1:30 बजे के बाद ही, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से 3:30 बजे निकले। और 3:30 बजे निकलने के बाद हम लोग पहुँचे, एक मिनट रुकना गाइस, हाँ तो कहाँ थी गाइस, 3:30 बजे निकलने के बाद हम लोग पहुँचे घर पर 5:30 बजे, 5:30-6 बज गए थे हम लोग घर पर पहुँचने में, क्योंकि रास्ते में मेरठ जाते तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है गाइस, आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। और ना उसके बाद फिर भाभी जो मेरे लिए कपड़े लेकर आई थी वो था इनर वाला सूट, जो मैं पहनती नहीं हूँ, इनर वाला सूट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो भाभी मेरे को दिखाई रही थी कि कैसा, देखो अच्छा लगा तो बताओ नहीं तो चेंज करके ले आना, और मैंने देखा तो वो इनर वाला था। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट गए, उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया। और गाइस मैं दिखाती हूँ आपको सूट मेरा कौन सा है, 2 सूट हैं, एक तो मैंने ये है जो सिलने के लिए दे दिया है, ये दुपट्टा है उसका, ये कपड़ा ना मतलब ये वाला कलर ना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत चल रहा है ये वाला कपड़ा ना, तो ये सिलने के लिए दे दिया है। अब ये साड़ी भी ऐसी पड़ी हुई है जो मैंने आपको दिखाई थी, इन्होंने मेरे को सरप्राइज दिया है। और सूट मेरा है वो सिंपल सूट लिया, मैंने इनर वाला मैं पहनती नहीं हूँ गाइस, पहनती नहीं तो क्या फ़ायदा फिर लेने का, तो मैं दिखाती हूँ आपको भी। तो गाइस ये सूट मैंने टेलर पर दे दिया सिलने के लिए, और अल्टर के लिए सिलना ही जाएगा। उसमें क्या है, इसमें साड़ी है जो मैं वेयर करके गई थी करवा चौथ पे रक्षाबंधन पर, उधर से मैं सूट पहन के आई थी ना, क्योंकि रात काफी हो गई थी हम लोगों को। मार्केट से आने के बाद भाभी ने खाना वगैरह बनाया, ये देखो मेरे कानों वानों के सब इसी में, सारा सामान ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए बहुत सिंपल सोवर सा सूट है मेरा ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल लाइट कलर है और प्योर कॉटन है, इसका फैब्रिक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल कॉटन में ना ये दुपट्टा है इसका, मुझे इस तरीके के सूट अच्छे लगते हैं गाइस, इनर विनर के मैं पहनती नहीं हूँ, मतलब पहनूंगी नहीं तो फिर क्या फ़ायदा लेने का, और ये सूट बहुत अच्छा है, मतलब मेरा भैया, मेरी और मेरी चॉइस का, भैया की चॉइस का, भाभी और ये, हम चारों ही लोग गए थे मार्केट उसके बाद। और गाइस पता, फिर वहाँ से आने के बाद हम लोगों को आना भी था, तभी के तभी मार्केट गए, मार्केट से आने के बाद खाना वगैरह बनाया, भाभी ने तैयारी तो पूरी कर रखी थी, बस नान बनाने थे तभी के तभी, और नान वगैरह बनाने के बाद फिर खाना वाना खा के हम लोग वहाँ से 10 बजे चले, 10 बजे चलने के बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पर ठीक 12 बजे, मतलब 12 बजे में 5 मिनट थी, और एक जगह हम लोगों को इतना गंदा सा एक्सीडेंट मिला गाइस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बताने भी जा रहे कि उसकी तरह रक्षाबंधन कैसी बनी, इतना डिवाइडर पर चढ़ी हुई थी गाड़ी पूरी ना, और इसलिए हम लोग थोड़ा आराम आराम से आए, जो बाईपास पे वहाँ पर रात 10 बजे भी हम लोगों को ट्रैफिक मिला, तब हम लेट हो गया, हम लोग इसलिए रात पर चले थे कि अब हम लोगों को ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था उस टाइम पर भी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे ट्रैफिक खत्म होता जा रहा था, और ठीक 10:12 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे। और देखिए गाइस आए किस लिए थे, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना था, हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था, चलिए ठीक है हस्बैंड जी का फील्ड का काम है वो तो निकल जाते हैं 10:30-10 बजे करीब, बट बच्चे सुबह मॉर्निंग में, और जैसे ही मैंने सुबह मॉर्निंग में हम लोग उठे, एक तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उठने के बाद बच्चों को उठाया बहुत मुश्किल से, मैं तो बहुत ही मुश्किल से उठा, और उसके बाद लंच वंच मैंने बना दिया था, मयंक को रेडी कर दिया था, जैसे ही मैंने मयंक को उठाने लगी तभी बारिश शुरू हो गई थी गाइस, सुबह 6 बजे से, और 6 बजे से बारिश कंटिन्यू 8 बजे तक बारिश पड़ी, तो मैंने कहा यार अब भेजू, तो मयंक और किसान दोनों ही स्कूल नहीं गए, इतना दुख हुआ, मैंने कहा यार एक रात तो रुक जाते मम्मी पापा के साथ, सभी लोग इतना जिद कर रहे थे, मतलब भेज ही नहीं देते मेरे को ना, कि नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल, पर मैं जिद करके आई, ये भी बोल रहे थे कि सुबह काम है, और गई इस बार ऐसा हुआ देखो मेरे साथ रक्षाबंधन पे ना। तो चलिए अभी मैं इनको सबको रख देती हूँ थोड़ा फोल्ड करके, और उसके बाद मैं जाऊँगी
थोड़ी सी वॉक करने के लिए, क्योंकि अभी ना ऐसा हो रहा है घर में बिल्कुल भी वॉक वगैरह हो ही नहीं रही। थोड़ा रूटीन बना हुआ था, मयंक स्कूल जा रहे थे तो मयंक को सुबह छोड़ने के बाद हम लोग पार्क में जाते थे, एक दो राउंड लगाते थे, अच्छा लगता था, बट रूटीन नहीं बन पा रहा है अब, तो इसलिए मैं अब जाती हूँ वॉक पर, उसके बाद बनाऊंगी गर्मा गर्म चपातियाँ। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग के एंड में यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज ब्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।